हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये अपना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो सेट प्रैक्टिस है, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन को कवर करते हैं पूरे जीएस के साथ, उसका आज सेवेंथ सेशन है आपका। और ये जो सेशन है वो स्पेशली उनके लिए बनाया गया है जो वर्दी वाले जंग करते हैं, तो ये उन्हीं के लिए कैटेगराइज किया गया हुआ है। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपके लिए ये डेडिकेटेड है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग पे जुड़ के सारे वीडियोस का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ पे दिया गया हुआ, डायरेक्ट आप इससे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः थी, मूलतः सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? अगर आप बोलेंगे तो हम आपके लिए टाइमर सेट कर सकते हैं, लेकिन ये तब होगा जब आप ऑनलाइन जुड़िएगा तब, क्योंकि अभी हमारे स्ट्रेंथ 1000 नहीं हुए हैं, जिस कारण हम आपको ऑनलाइन क्लासेस डायरेक्ट नहीं दे पाते हैं। ये रीजन है कि हम यहाँ पे टाइमर नहीं लगाते हैं। तो आप अगर कंट्रीब्यूट करते हैं अपना इस चैनल के साथ, इसका कंट्रीब्यूशन केवल ये होगा कि आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, क्योंकि 1000 पूरने के बाद अगर ये होता है, 1000 बहुत बड़ी संख्या नहीं होती है, 1000 सब्सक्राइबर पूरा होना। जैसे ही आप कीजिएगा, तुरंत हम ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए लाएंगे और फिर आप उसके बाद टाइमर के साथ कंटिन्यू कीजिएगा। फिलहाल ये सारी बातें हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग आते हैं फिर से क्वेश्चन पे कि सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः कैसी थी। तो मूलतः सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी, और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहली शहरी सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो हड़प्पावासी जो थे वो कपास का बहुत ज्यादा उत्पादन करते थे। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन सबसे ज्यादा करते थे, तो कपास के उत्पादन वो सबसे ज्यादा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक किस वंश के थे? अशोक मौर्य वंश के थे। और जो मौर्य वंश से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं प्रीवियस वाला, वो आप सेशन 7 जो आपका हुआ था उसमें आप उसको कवर कर सकते हैं, और मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ, तो उस पीडीएफ को आप यूज कीजिए, क्योंकि उस पीडीएफ से अगर कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लगते हैं जो आपसे नहीं बनने वाले हैं, तो आप उसको वहां से डाउनलोड करके बनाइए और अपने नोटबुक में जरूर नोट डाउन कीजिए, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको दिए जाते हैं जो एसएससी के प्रीवियस के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है? तो इसलिए आप इसमें लगे रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। क्वेश्चन ये सारे डायरेक्ट आने वाले हैं, तो फोकस भी इसके ऊपर आप डायरेक्ट ही कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसको कुंभा कर लीजिएगा आप, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के गुरु का नाम क्या था? कबीर के गुरु का नाम रामानंद था, ठीक है? और अगर आप कल आज का अगर आपने सेशन नहीं देखा है, जो आपका रेडियो सिटी पे आता है, ठीक है, रेडियो सिटी पे आता है, उसमें आपको ये कबीर के बारे में बहुत सारी चीज बताई गई हैं, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है? भारत की कहानी करके एक आपका टॉपिक आता है, उस रेडियो सिटी से आप उसको सुन सकते हैं, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा छोटी छोटी चीजों को जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी शब्द की उत्पत्ति की है, ठीक है, सूफी शब्द की उत्पत्ति आप इसको बोल कर लीजिएगा, कैसे हुई है, ठीक है, कैसे हुई है? तो सूफी शब्द की उत्पत्ति जो है वस्त्र से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मोती मस्जिद किस शहर में है? मोती मस्जिद आगरा में है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि मोती मस्जिद को किसने बनवाया था, ठीक है, मोती मस्जिद को किसने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रथम जनगणना किसके समय में हुई थी? तो प्रथम जनगणना जो थी वो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में सबसे पहले किसने बलिदान दिया था? 1857 की क्रांति में सबसे पहले मंगल पांडे ने बलिदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? गुलामगिरी के लेखक ज्योति व फुले थी, जिन्होंने इसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है, और इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और पूरे पृथ्वी पर भी सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछा जाएगा, तो आप उसका आंसर नील नदी ही दीजिएगा। कभी कभी ये विश्व पूछता है, कभी कभी पृथ्वी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है, या किस नदी पे स्थित है? तो पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? मणिपुर जो है उसका सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ टच नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टोडा जनजाति निवास करती है? टोडा जनजाति नीलगिरी के पहाड़ियों पे निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी का उद्गम स्थान कहाँ है? मानसरोवर सिंधु घाटी का उद्गम स्थान है, जिसपे कंट्रोवर्सी चल रहा है अभी नेपाल के साथ। वो सारी बातें हैं जब हम लोग डिस्कस करते हैं ऐसे का टॉपिक सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, तो उसमें वो सारे ऐसे के टॉपिक कवर करते हैं। बट ये एक सिंपल एग्जाम है जो कांस्टेबल के लिए है, तो इसमें कांस्टेबल लेवल के ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है, इसका जो उद्गम है वो चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया हुआ था? भारतीय संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से 26 नवंबर 1949 को, मीन्स 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया हुआ था। आप जो प्रियम्बल पढ़ते हैं उसमें भी आप इसको देखते होंगे, जिसको हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं। 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया जाता है। ये क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? हमारा राष्ट्रीय वृक्ष पीपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघ को क्या माना गया है? इंडियन भारतीय संविधान में जो संघ है, यूनियन है, उसको इंडिया और भारत कहा गया हुआ है। ये आपको प्रियम्बल में देखने को मिलेगा। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे आप इसको डायरेक्ट आंसर इसका दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसको अपर हाउस बोला जाता है, और हर एक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य इससे रिटायर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो कमलापति त्रिपाठी जो थे वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। राइट आंसर ग हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी काटकर शरीर में क्या छोड़ती है? चींटी काटकर शरीर में फॉर्मिक अम्ल को छोड़ देती है, जिससे दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस में सबसे ज्यादा जो मिश्रण होता है वो किस चीज का होता है? मीथेन का मिश्रण सबसे ज्यादा होता है। राइट आंसर क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को माइक्रोफोन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? एकदम बच्चों वाली क्वेश्चन है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। यह 5वीं और 6ठी क्लास के लड़के लोग इसका आंसर देते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम में जब प्रेशर होता है तो आप इसका आंसर गलत करके जरूर आइएगा। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपको एग्जाम क्रैक करने में, एक तरीके से समझिए तो रामबाण इलाज कर रहा है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? फेफड़ा शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। राइट आंसर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने COVID-19 को लेकर सिगरेट, बीड़ी जैसे धूम्रपान पदार्थों के उपयोग पर रोक लगाया है? एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ क्वेरीज आपके पास बताएं। कुछ लोगों का कहना है कि एवरीडे वीडियोज नहीं आते हैं, तो भाई साहब मैं आपको बताऊं कि हम अभी इतने बड़े, अपना ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम इस पे किसी को हायर कर सकते हैं। तो जो भी स्लाइड्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, मैं खुद सेट करता हूं, इसलिए अगर कभी देर भी होता है तो इसके लिए टेंशन ना लें। हम आपके 60 to 65 आपके कम से कम मैं यहाँ पे सेट प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे आपको, तो जरूर इसमें शामिल होइए। और अगर लेट होता है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मैं खुद हूँ, खुद करता हूँ ये सारी काम। और इसके साथ ही 1000 सब्सक्राइबर नहीं होने के कारण लाइव क्लासेस मैं नहीं ले पाता हूँ, तो इस कारण से भी आपको प्रॉब्लम आती होगी बहुत सारी। जैसे मैं अभी टाइमर यहाँ पे अगर चाहता तो आपके लिए सेट करता, और फिर टाइमर से आप क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट देते, कमेंट बॉक्स से हम आपको आंसर बताते हैं इसका, लेकिन ये नहीं हो पाता है आपके उस तरीके के सपोर्ट नहीं होने के कारण। फिर भी आप जो सपोर्ट करते हो वो मेरे लिए सराहनीय है। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा सरकार COVID-19 के बीच राज्य में पत्रकारिता करने वाले पत्रकार को कितने का बीमा देगी? तो 10 लाख रुपए का बीमा देगी अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर तापोरिजो में 430 फीट लंबा वैली पुल का उन्नयन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन कर लीजिएगा अपने एग्जाम के लिए। ये जो है वो अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है, ठीक है। ये जो आपका सीमा सड़क संगठन है, ठीक है, इसको बोला जाता है सीमा सड़क संगठन जो है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, ठीक है। इसके द्वारा एक अरुणाचल प्रदेश में 430 फीट लंबा वैली पुल का निर्माण किया गया, जिसका नाम तापोरिजो है, ठीक है। तापोरिजो नदी के तट पे बनाया गया हुआ है, ठीक है।
इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस अग्रणी दोपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन को अधिग्रहण कर लिया है? इसका नाम टीवीएस है। टीवीएस ने नॉर्टन का अधिग्रहण किया है, 122 साल पुरानी कंपनी थी यूनाइटेड किंगडम की, यूके की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको जो राज्य स्पेशल्स होते हैं उसमें भी मिल जाते हैं देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मून जे इन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं मून जे इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR ने भारत के चमगादड़ में कोरोना वायरस का पता लगाया है? तो भारत के चमगादड़ में कोरोना वायरस का पता लगाया है। और आपके लिए जो HW है इसमें कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि ये दोनों चमगादड़ों का नाम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को भी आप VVI कर लीजिएगा, चमगादड़ के नाम को देख के आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान दिवस मनाया जाता है। मानव उड़ान दिवस भी इसके साथ कभी कभी जुड़ा होता है, तो आप जो है इसको देख करके कंफ्यूजन में नहीं आइएगा, इसमें कभी कभी मानव उड़ान दिवस भी जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? पंकज त्रिपाठी को। आपने बहुत अच्छा जो वेब सीरीज आता है जिसका नाम मैं बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन उसमें पंकज त्रिपाठी का रोल है, तो आप उस पंकज त्रिपाठी से इसको रिलेट कर सकते हैं। उन्हें बिहार का खादी का खादी ब्रांड एम्बेसडर तैयार किया गया पंकज त्रिपाठी को। शिवराज सिंह चौहान किस राज्य के मुख्यमंत्री है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। VVI क्वेश्चन है, अभी बहुत सारा कंट्रोवर्सी चलता है मध्य प्रदेश में, तो इसलिए ये सारे चीजों पे कवर कीजिए। यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम भी आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस नाम से सबसे सस्ता वेंटिलेटर का निर्माण किया है? जीवन के नाम से भारतीय रेलवे ने सबसे सस्ता वेंटिलेटर का निर्माण करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5G प्लान लॉन्च किया गया है, ये दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, अरविंद केजरीवाल, ठीक है, अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य द्वारा लागू किया गया है? इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि जितने भी बाल श्रमिक है उनके पढ़ाई के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपका जितने भी फ्री ऑफ कॉस्ट चीज प्रोवाइड करवाने होंगे वो उत्तर प्रदेश सरकार प्रोवाइड करवाएगी, तो इसका जो उन्नयन किया गया है, इसकी जो शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरियाना ट्रेंच पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बनी, तो कैथरीन डी सुलिवन जो है वो मरीना ट्रेंच पे पहुंचने वाली सबसे पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस भारतीय मूल के निवासी ने विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? रतन लाल ने विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है, ठीक है, भारतीय मूल के वैज्ञानिक है ये, कृषि डिपार्टमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवटी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो पंचवटी योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, और काम इसका क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन से उल्टे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अगर आप इसके ऊपर वर्क करते हैं तो शायद आपको क्वेश्चन को कवर करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा गन्ना तेंदु नामक योजना शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया हुआ है, और नाम से ही आप इसको कन्फर्म कर सकते हैं जिस तरीके का नाम होता है, और अगर आपको भाषा का थोड़ा सा ज्ञान है तो आप वहां से इसको राज्य से जो है वो रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है बाल श्रम निषेध दिवस। VVI क्वेश्चंस है और इस सारे के ऊपर आप अपना फोकस बनाए रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए प्लाज्मा ऑनलाइन उपलब्ध कराने की शुरुआत की है? बांग्लादेश ने इसकी शुरुआत की है, जो ऑनलाइन प्लाज्मा उपलब्ध कराएगी। राइट आंसर आपका गौ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रुंजीजा का निधन हाल में हुआ था, वो किस देश के राष्ट्रपति थे? बुरुंडी के राष्ट्रपति थे पियरे कुंजू कुरुंजीजा, ठीक है, कुरुंजीजा, पियरे कुरुंजीजा। ये जो आपका है वो इंटरनेशनल अफेयर्स से IF से आने वाला है, ये इंटरनेशनल अफेयर्स IA से, तो ये क्वेश्चंस को आप VVI कर लीजिएगा। और ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन को कवर किया, जिसमें करेंट अफेयर्स के साथ साथ जो स्टैटिक GK है उसको हम लोगों ने कवर किया। बट फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क कर रही है और आपके बेटरमेंट के लिए वर्क कर रही है, तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।
और साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं फिर भी पीडीएफ डाउनलोड कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से, क्योंकि वो आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और बाकी कुछ लोगों का सोच है कि चैनल सब्सक्राइब करने से टीचर्स को पैसे आएंगे, बिल्कुल अगर आपके एक चैनल सब्सक्राइब करने से हमें पैसे आने स्टार्ट होते हैं तो आपको इतना कंट्रीब्यूट एक टीचर के लिए करना चाहिए। साथ में मैंने इसके लिए बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। इतिहास के वीडियो के लिए जिसमें वर्दी वाली जंग और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए हम लोगों ने 7th जो सेट प्रैक्टिस है उसको कवर किया है। बच्चे अगर आप चाहते हैं कि इस प्रैक्टिस सेशन को हम कंटिन्यू करें तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड गुड बाय।